नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संस्कार इंग्लिश। अगर आप नए हो तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक जरूर कर दें, और अगर उसके बाद घंटी को जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संदेश लिखना, मैसेज लिखना, जो बच्चे 10th क्लास का एग्जाम दे रहे होते हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि पूछ दिया जाता है उनसे एग्जाम में। तो देखते हैं क्या होता है मैसेज। मैसेज यानी संदेश, इसको हिंदी में बोला जाता है। इसके पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस मैसेज को लिखने के लिए मैं छोटे छोटे वीडियो में दो पार्ट में इसको बनाया है, जो कि आप देख रहे हैं पार्ट टू पार्ट। तो देखेंगे मैसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, संदेश। आता ना व्हाट इज मैसेज, तो मैसेज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट सिंपल एंड क्लियर मैनर। मैसेज जो होता है इंफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है, जो कि शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, यानी सुस्पष्ट होनी चाहिए। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। तो क्या ना शब्द मैसेज को मोटे अक्षर में पेज के बीचों बीच लिखें। आप अगर मैसेज लिखने के लिए जो पेज लेते हो, माने ये पेज है आपका, ये पेज लो, पेज के बीचों बीच में मैसेज शब्द लिख दिया, यहां पे लिखना होता है पेज के बीचों बीच में, ओके। इसके बाद दूसरा है, इसके बाद हेडिंग दे। अब हेडिंग क्या होती है, हेडिंग में मूल रूप से टाइम और डेट दिया जाता है, यानी जिस टाइम में आप लिख रहे हो, जिस डेट में लिख रहे हो, वो टाइम और डेट जो होता है ना मिलकर के क्या कहलाता है, हेडिंग। तो बात आती है क्या कि टाइम कैसे देंगे, डेट कैसे देंगे बच्चों के, ये काफी उलझन वाली चीज होती है, लेकिन उलझने की चीज नहीं होगी। इस वीडियो के बाद आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाओगे। तो हाउ टू राइट टाइम, टाइम देखें कैसे लिखते हैं। मैसेज लिखते समय टाइम को हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखें। जब भी आप मैसेज लिख रहे होते हैं तो टाइम को आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। सच है, अगर 7:30 AM लिखना है स्मॉल लेटर में, 7:30 PM लिखना है स्मॉल लेटर में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं AM के बीच में डॉट दे देंगे, आप PM के बीच में डॉट दे देंगे, दोनों तरीका सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब AM क्या होता है, PM क्या होता है, इंग्लिश में टाइम बताना कि पार्ट वन वीडियो में मैंने AM और PM की डिटेल्स में चर्चा की है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे जहां से आपको AM और PM क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है हाउ टू राइट डेट। तो इस तरह से हेडिंग में हम लोग ना यहाँ पे टाइम देना सीखे। अब हाउ टू राइट डेट, डेट कैसे देंगे, डेट देने के ओल्ड इंग्लिश में ना कई फॉर्मूले, कई फॉर्मेट प्रचलित थे, ट्रेडिशन में थे। जैसे देखते हैं 14/1/1994 हाइफन देकर के डॉट देख 14/1/1994 इस तरह से। लेकिन दोस्तों ये तीनों फॉर्मेट ना, ये जो तीनों फॉर्मेट थे, ये तीनों का तीनों फॉर्मेट अब चलने वाले नहीं है, ये पुराने हो गए। अब जो फॉर्मेट है 14/1/1994, अगर आप डेट पहले देते हो मंथ बाद में, तो फोर्थ है तो TH, सेकंड है तो RD, फर्स्ट है तो ST, इस तरह से आपको देना होगा। या फिर अब मंथ आगे लिखते हो डेट पीछे, तो TH, RD, ND, ST देने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब बात क्या है कि अब मॉडर्न इंग्लिश में, जैसा कि आपको पता है कि मैं तो मॉडर्न इंग्लिश को फॉलो करता हूँ फुल्ली, और जो मॉडर्न इंग्लिश में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको मैं आप लोग के सामने वीडियो में डालता भी हूँ। आप डेट को पहले लिखो या बाद में लिखो मंथ का, जरूरी नहीं है TH, ST, ND, RD लगाने की। तो आप ये भी फॉलो करो तो भी ठीक है, ये भी करो तो भी ठीक है, ये भी करो तो भी ठीक है। लेकिन आप लोग की सुविधा के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ये दोनों में से कोई अगर फॉर्मेट यूज करते हो, दैट विल बी द बेस्ट फॉर्मेट। अब इस तरह से हम लोग ना हेडिंग में टाइम और डेट भी लिखना सीखे। अब आते हैं क्या होता है इसके डेट के बाद, इसके बाद एड्रेसी। एड्रेसी क्या होता है, द पर्सन हुम यू राइट ही इज नोन एज एड्रेसी। जिसके पास आप लिख रहे हो उसका नाम दें डेट लिखने के बाद। अर्थात जैसे मैं किसी राकेश नाम को व्यक्ति को लिख रहा हूं, तो राकेश मेरे लिए एड्रेसी हो गया क्योंकि मैं उसी के नाम से लिखूंगा, तो उसका नाम देंगे। इसके बाद है सिंपल सेंटेंस में बॉडी को लिखें, यानी जो आप एड्रेसी लिखोगे, एड्रेसी का नाम, तो एड्रेसी के बाद बॉडी। बॉडी वो चीज होती है मैसेज का जिसमें फुल्ली ये बताया होता है कि मैसेज क्यों लिखा गया है, मैसेज को लिखने का कारण क्या है। तो ये बताता है कि सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए बॉडी, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में, कोई जटिल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं कि जो एड्रेसी का नाम लिखोगे आप सैल्यूटेशन के साथ भी लिख सकते हो, जैसे डियर मम्मी, डियर पापा, डियर फ्रेंड, डियर राकेश, ऐसे भी लिख सकते हैं आप।
इसके बाद ना बॉडी लिख देंगे आप, अंत में एड्रेसर जो लिखता है उसका नाम दे। एड्रेसर जैसे बताया मैंने कि मैं राकेश को लिख रहा हूं अगर कोई मैसेज, तो राकेश एड्रेसी हो गया और मैं आनंद एड्रेसर हुआ, तो अंत में आप एड्रेसर का नाम दोगे, अपना आप लिख रहे हो तो आप अपना नाम दोगे। इस तरह से इस वीडियो के पार्ट वन में मैंने हम लोगों ने देखा मैसेज की परिभाषा, मैसेज क्या है, हाउ टू राइट डेट देना, हेडिंग देना, टाइम हेडिंग में टाइम और डेट देना, उसके बाद एड्रेसी बॉडी और एड्रेसर के बारे में जाना। अब ये बात आती है कि पेज में आखिर सबको सजाएंगे कैसे, कैसे लिखा जाए, ये बच्चों के सामने समस्या हो जाती है। तो इसकी समस्या के लिए आप मेरे साथ संस्कार इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बने रहिए। मैं वीडियो का पार्ट टू बनाया हूँ, पार्ट टू में आप लोग जरूर देखें इसका फॉर्मेट कैसे दिया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर आपसे मिलते हैं वीडियो का पार्ट टू में।